पर लखीमपुर खीरी के धौरहरा संसदीय क्षेत्र में पूर्व कांग्रेसी मंत्री जितेंद्र प्रसाद प्रियंका वाड्रा ने मोहम्मदी में वन विभाग बैरियल से गोला शाहजहांपुर रोड पर रोड शो निकाला व बरबर चौराहे पर भीमराव अंबेडकर के पार्क में जाकर भीमराव जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया तथा उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वहां पर भारी भीड़ को संबोधित किया और जितेंद्र जी द्वारा पूर्व मंत्री पद रहते हुए जो विकास कार्य में किया गया उसका वर्णन करते हुए जितेंद्र जी को वोट देने के लिए प्रेरित किया तथा 5 साल तक रही सांसद रेखा वर्मा द्वारा कोई भी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य व जनसंपर्क नहीं किया गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में सांसद रेखा वर्मा के प्रति काफी आक्रोश है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने क्षेत्र में विकास करने व गरीब किसानों को सामान्य निधि के तौर पर 72,000 वार्षिक उनकी महिलाओं के खाते में देने का वादा किया है। मोदी चौकीदार नहीं चोर है का बुलंद नारा लगाते हुए सरकार को हटाने का आह्वान किया, इसके साथ ही सभा का विसर्जन किया। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही एवं पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय के सभागार में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के समय जिन अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गयी वह पूरी मुस्तैदी के साथ अपने निर्धारित तैनाती स्थल पर समय से उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का दिनांक 4 मई 2019 को GIC कॉलेज में कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत देश के महात्यौहार अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान में लोकतंत्र की उड़ान के तहत नजरबाग प्रांगण में आज लोगों को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए वृहद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं, स्काउटिंग NCC के छात्र छात्राएं, NGO कार्यकर्ता, जिले के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं तथा मतदाता बड़ी संख्या में एकत्र हुए। वहीं प्रांगण के बीच में सभी मतदाताओं द्वारा टीकमगढ़ करेगा वोट। वहीं लोकतंत्र की उड़ान कार्यक्रम के तहत सांकेतिक रूप के रंग बिरंगे बलून आसमान में छोड़कर यह संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्रेक्षक श्री अमरनाथ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचक अधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला नोडल अग्रहित स्वीप श्रीमती नीतू माथुर, नगर पालिका CMO सुश्री माधुर शर्मा, जिले के स्वीप अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सुश्री वैष्णवी पिपरसानिया से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। हर एक वोट महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के तहत प्रेक्षक श्री अमरनाथ ने कहा कि हर मतदाता द्वारा दिया गया एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सबसे पहले वोट डालने जाए, इसके बाद कोई भी काम करे तभी अधिक से अधिक मतदान सम्पन्न होगा। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सुमन ने कहा कि मतदाता बिना किसी डर भय के वोट करें। उन्होंने कहा कि जो मतदाता चलने में असमर्थ या देख नहीं सकते, ऐसे सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार घर से बूथ तक आने जाने की व्यवस्था बनाई गई, साथ ही महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया गया। अपने मत का प्रयोग करते हुए बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के स्वस्थ मतदान करके हमें दिखाना है कि किस तरीके से एक मत क्या कर सकता है। हमें अपने वोट के अधिकार को, वोट की ताकत को पहचानना होगा और अपने मत को मतदान के रूप में परिवर्तित करना होगा। ऐसी ही आशा है हमारे जिले के जो पर्यवेक्षक महोदय हैं, आदरणीय वरिष्ठ IAS महोदय जो हमारे बीच में है उनकी, ऐसी ही आशा है हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की, ऐसी ही आशा है हमारी कैंपेन लीडर महोदय की कि अधिक से अधिक मतदान इस टीकमगढ़ जिले का हो और टीकमगढ़ करेगा वोट तो इतिहास रचेगा, यह बात सुनिश्चित है। हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, हमें न केवल अपने वोट का प्रयोग करना है बल्कि हमें अपने सभी साथ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहीन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। लखीमपुर खीरी ब्लॉक बिजुआ के मुंडा सवारान बूथ संख्या 130-131 लोकसभा चुनाव आज 29 अप्रैल का मतदान शुरू हुआ। और आपको बताते चले कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और मतदान केंद्र बूथ पर जो भी एजेंट बने हुए उनको 6:30 पर मशीन पे भी पैट कर निरीक्षण करने का मौका दिया और उनके सामने वोट डाले और सभी को दिखाया और बताया कि मतदान में लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।
जनपद महोबा के खरेला में गठबंधन प्रत्याशी की बस्ती में लगी पोस्टर होर्डिंग खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। वही आदरणीय खुली चुनाव व्यवस्था की पोल। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड महोबा। जनपद महोबा के काशीराम राठ कॉलोनी में आज मतदान का दिन। काशीराम कॉलोनी में समय से शुरू हुआ मतदान। मतदाता सुबह से ही मतदान करने पहुंचे पर जिला प्रशासन की खुली पोल सूचना अधिकारी के निर्देश के बाद भी चारों तरफ प्रचार पोस्टरों से पटा है। वही मतदान केंद्र कैसी सूचना, कैसा आदेश, कैसा अनुशासन महोबा में रहता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। जनपद लखीमपुर खीरी ब्लॉक बिजुआ के हमीदाबाद में बूथ संख्या 133 तथा 134 लोकसभा चुनाव आज 29 अप्रैल का मतदान शुरू हुआ। आपको बताते चले कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। हमीदाबाद पोलिंग बूथ सुरक्षा हेड जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने फोर्स के साथ तैनात है और जो कि बहुत अच्छी शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं। और आपको बताते चले कि टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल संवाददाता लुकमान रजा वहां तहसील संवाददाता अनमोल अवस्थी बूथ पर जाकर लोगों से चर्चा करते हुए देखा कि लोग बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। मैं टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान रजा लखीमपुर खीरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजुआ में पढ़ने वाले हमीदाबाद में और बूथ संख्या 133 और 34 पे, जिसके अंडर में हिकमत नगर, हमीदाबाद, बख्शीशपुर, रहमान नगर और बेरोगंजी 5 गांव पढ़ते हैं और यहाँ पे भारी संख्या में मतदान चल रहा है। और आपको बताते चले जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो दो बूथ हैं और यहाँ पे पुलिसकर्मी लोग हैं, सभी की एक अच्छी मतलब व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो वोटर्स हैं वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जनपद उन्नाव के बिछिया विकास खंड की ग्राम पंचायत तार गांव के मछरी बकरा में गांव में विकास कार्यों की समस्या हेतु ग्रामवासियों ने वोट का बहिष्कार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक विकास नहीं वोट नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार अखंड नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार से सटे जिला परिषदीय दुकान संख्या 5 घूंघट साड़ी सेंटर के संचालक ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय जय हिंद निवासी बोरा भरी प्रत्येक दिन की भांति शुक्रवार को रात 8 बजे के करीब दुकान बंद कर घर बेरा भरी चले गए। वही अगले दिन शनिवार को बाजार बंद होने के कारण दुकान नहीं खोला। रात 12 से 12:30 बजे के करीब अज्ञात कारण से आग लग गई, जिसे दुकान के सामने रहने वाले मंटू सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह ने देखा तो लोगों को गुहार लगाई, जिसमें 5-6 की संख्या में लोग पहुंच गए और काजू को घर जाकर आग लगने की सूचना दी। वही शोरगुल सुन आसपास के गांव के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और दुकान का ताला तोड़ने लगे, परंतु आग की चपेट में आने की वजह से दरवाजा लाल हो गया तथा अंदर का तापमान बढ़ता देख दुकान के पिछले हिस्से की दीवार को तोड़ने का प्रयास करने लगी। वही गश्ती पर निकले हल्का प्रभारी SI KC यादव मौके पर पहुंच गए, जिसकी सूचना थाना प्रभारी अजय प्रताप यादव को दिया। इसी बीच दरवाजे का ताला तोड़ा गया और लोगों ने पानी से आग बुझाने की प्रयास किया। वही लोगों के द्वारा दमकल के लिए डायल 101 पर फोन लगाया जाता रहा, परंतु फोन नहीं उठा तो थाने से कादीपुर कोतवाली को सूचित किया गया इसके बाद दमकल विभाग कादीपुर को सूचना दी गई, परंतु आग बुझाने में 3 घंटा लग गया परंतु दमकल नहीं आया। इस बात से बाजार वासियों में काफी रोष है। पीड़ित ओम प्रकाश के अनुसार दुकान में लगे इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगा था, वहीं बिजली का कनेक्शन ली गई, संभवतः सोल सर्किट से आग लग गई, जिसे दुकान में रखा कैश तकरीबन 65,000 नगद 17-18 लाख का कपड़ा जलकर खाक। वहीं दुकान के सामान में लोगों को उधार में दिए गए सामान व रुपये की कॉपी भी जलकर राख हो गई, जिसमें लिखा कर तकरीबन 2 लाख रुपए का लेनदेन का ब्यौरा भी जलकर खाक हो गया टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के बिलवाई चौकी के तहत रुपाईपुर ग्राम सभा के मोतीलाल राजभर में 65 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय रामशरण राजभर के घर अज्ञात कारण से लगी आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं करीब 10 बजे नाती कुंदन अपने घर वालों से कहा कि आप लोग चारा बाल रहे हैं, घर में आग लगी। सुन काम छोड़कर देखा तो घर के पश्चिमी भाग में
आग लगी जिसे देख हतप्रभ रह गए। इससे पहले कि कुछ कर पाते, पल भर में आग ने घर को अपने आगोश में ले लिया। वहीं हड़बड़ाहट में घर वालों ने सहायता के लिए गुहार लगाई। आवाज सुन के घर के बाहर आए लोगों ने तेज उठी रही लपटों को देखा जैसे ही, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी कि बाल्टी के पानी को भी भाप बनते देर न लगी। फिर भीड़ में से किसी ने डायल 100 पर सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस व लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, परंतु समय न रहते न पहुंची। वहीं लोगों ने नलकूप से प्लास्टिक पाइप लगाकर आग बुझाने में सफलता पाई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तान।